नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। सलमान खान ने किया रिजेक्ट, फिर सैफ अली खान ने लपक लिया रोल। 30 साल पहले फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मचा था हंगामा। सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी करियर में कई फिल्मों को रिजेक्ट किया है। 30 साल पहले उन्होंने एक मूवी में काम करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सैफ अली खान की किस्मत चमक उठी थी और रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। वो था साल 1994। 1994 में सैफ अली खान की एक हिट फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में मेकर्स ने सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। और हम जिस फिल्म की बात करें हैं, उस फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये एक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म थी। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने लीड रोल निभाया था। शक्ति कपूर, शिल्पा शेट्टी, रागेश्वरी, कादर खान, जॉनी लीबर, मुकेश खन्ना जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा थे और इसकी कहानी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर करण जोगलेकर की भूमिका निभाई थी और सैफ अली खान एक्टर दीपक कुमार के किरदार में दिखे थे। ये दोनों सितारों की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने ये दिल लगी फिल्म में काम किया था। बहुत कम लागत में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए मेकर्स की पहली चॉइस सलमान खान थे। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भाईजान को फिल्म भी ऑफर हुई थी, लेकिन उस वक्त वे 4 फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। इसके बाद ये ऑफर सैफ अली खान को मिला था और ये तुरंत मान भी गए थे सैफ अली खान। दरअसल मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हॉलीवुड मूवी द हार्ड वे का हिंदी रिमेक था। इसका डायरेक्शन समीर मलकान ने किया था। कहानी कादर खान और सचिन भौमिक ने मिलकर लिखी थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 3.25 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई थी और भारत में फिल्म ने 7.88 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में फिल्म की टोटल कमाई 13.84 करोड़ रुपए हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ये मूवी 6वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल अक्षय और सैफ अली की खान की ये दिल्लगी रिलीज भी हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। मोहरा, ऐलान और सुहाग के बाद साल 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी अक्षय कुमार की 4थी हिट फिल्म साबित हुई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।